कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है, कुरान को पढ़ना है, कुरान सुनाना है। हम इसके मुहाफिज हैं, हम इसके मुहाफिज हैं, दुनिया को बताना है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मग़फ़रत का इशरा जारी है। माह रमजान कैशरे तीन मौजूआत में तकसीम है। पहला रहमत का है, दूसरा मग़फ़रत का है और तीसरा जहन्नुम की आग से निजात का महीना। 10 दिन जो है खूब खुदावंद मुताल के लिए कोई मसला नहीं है। किसी भी टाइम पे इंसान पर रहमत भी नाजिल कर सकता है, मग़फ़रत भी कर सकता है, जहन्नुम की आग से भी बचा सकता है। लेकिन हमें इस माह मुबारक में उसने मौका दिया, उसने हमें दावत दी कि हम इस महीने को बेहतर तरीके से दर्क कर सकें और इसमें उन फजीलतों को हासिल कर सकें। माह रमज़ान मुबारक के लिए कि जो शख्स रोज़े की हालत में होता है, हदीस में है कि परवरदिगार भी और मलाइका, ख़ास तौर पे मलाइका के लिए मुख्तस किया गया कि मलाइका रोज़ेदार के हक में दुआ करते हैं और हदीसों में है कि मलाइका के अदद हम शुमार नहीं कर सकते, कि हमें उनकी तादाद नहीं पता, मलाइका की तादाद कितनी है। अब ये सब मलाइका रोज़ेदार के लिए दुआ कर रहे हैं। यानी आप अपनी ट्रांसफॉर्म देखें कि आप कोई ऐसा अमल कर रहे हैं दुनिया के अंदर कि आपके उस अमल में रहते हुए मलाइका आपके लिए दुआ कर रहे हैं और इंसान को क्या चाहिए। क्योंकि मैं भी आपके लिए दुआ करूं, आप मेरे लिए दुआ करें, तो उसके असरात आलम मादे पे मुरतब होते हैं। जब भी हम कोई भी अमल इस दुनिया में अंजाम देते हैं, इस आलम में उसके असरात मुरतब हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं गलत सोचना शुरू कर दूं तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद बेवजूद आ जाएंगी और वो मैं गलत काम कर लूंगा। खुदा ना खास्ता असबाब इंसान को अल्लाह ने जहन में इतनी ताकत दी हुई है कि वो जो सोचना शुरू कर देता है चीजें उसमें डलना शुरू हो जाती है। आप खुदा ना खास्ता किसी चीज को बुरा बोलते रहें उसके असरात मुरतब हो जाएंगे। आप किसी के बारे में खुद गलत सोचते रहें, हो सकता है उसको असर ना हो लेकिन आपकी रूह के ऊपर असरात मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। मशहूर है वाकया मेरे ख्याल में हुज़ैल का, या क्योंकि वो कि उसने कहा कि कुछ जो प्याज थे उनको बोरी में भरो और उसको अपने साथ लेके चलते रहो। 3-4 दिन चलते रहे, जब प्याज गलना शुरू हुई तो उनमें से बू आना शुरू हो गई। अब वो इतनी बू थी कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसने ये कहा कि ये वो कीना और बोक्स है जो तुमने अपने अंदर पाला हुआ है, इसे ले लेके तुम फिरते रहते हो लेकिन तुम्हें महसूस नहीं होता, लेकिन तुम्हारे वजूद में उसकी बू पड़ जाती है। इंसान कितनी ऐसी चीजें अपने वजूद में लेकर घूम रहा है, असरात मुरतब है। जाने मतलब मैं अगर किसी के बारे में गलत बैठा हुआ बातें भी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उसके ऊपर हो ना हो, एक तो उखरवी असरात है कि आपको सवाब मिलेगा अजाब मिलेगा वो अलग है, लेकिन इस कायनात के जो निजाम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके असरात हर चीज के आपके ऊपर मुरतब होना शुरू हो जाएंगे।